Assalamualaikum everyone, hope you all are doing good. Welcome back to my channel. आज की वीडियो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है. आप लोगों ने बहुत सारे डीएम्स किए थे कि हमें ब्लैक हेड्स के बारे में बता दें कि किस तरह रिमूव करने हैं, कौन सा बेटर तरीका है, हमें प्लीज़ गाइड कर दें. तो मैंने सोचा आप लोग के लिए एक डिटेल वीडियो मैं बना दूँ. तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ फोर वेज टू रिमूव ब्लैक हेड्स शेयर करने वाली हूँ. तो आप लोगों को जो भी तरीका जो है वो सूट करता है वो आप लोग जो है वो ट्राई करके देख लो और मुझे रिजल्ट्स लाजमी बताइएगा. तो मैं आप लोगों को साथ साथ गाइड करती जाऊंगी कि कौन सा बेस्ट और इफ़ेक्टिव वे है, ठीक है, और जो मैं पर्सनली खुद भी यूज़ करती हूँ, जिस तरीके से अपने ब्लैक हेड्स रिमूव करती हूँ, तो वो भी मैं आप लोगों को साथ साथ बता दूंगी. वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वेज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ. तो चलें, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. तो हमारा फर्स्ट मेथड जो है वो एग मास्क है. उसके लिए आपको जो भी चीज़ें चाहिए वो आप लोग के सामने हैं. आप लोग को एक चाहिए ब्रश, ठीक है, फेशियल ब्रश, आपको एक एग चाहिए, इसके अलावा आपको टिश्यूज चाहिए. ये आपको तीन चीज़ें इस प्रोसेस के लिए चाहिए होंगी. अच्छा, अब फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि एग ले लेना है और एग की जो योक है उसको हमने निकाल देना है और जो वाइट पार्ट होगा हमने सिर्फ उसी को यूज़ करना है. तो अब मैं इसको करके आपको दिखाती हूँ. तो ये देखें, मैंने जो है योक अलग कर ली है और ये बिल्कुल वाइट पार्ट है एग का. तो अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने फेशियल ब्रश लेना है और आपके फेस पे जहाँ पे भी आप लोगों को ब्लैक हेड्स ज़्यादा फील होते हैं या जिस भी एरिया पे होते हैं, आप लोगों ने इसके ऊपर ये लगाना है, ठीक है, इस तरह. लेट्स सपोज ये मेरा फेस है और इस एरिया पे मुझे बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स हो रहे हैं. अब मैं आप लोगों को फेस तो शो नहीं करवा सकती, बट मैं आप लोगों को एग्जांपल के तौर पे अच्छी तरीके से समझाने के लिए यहाँ करके दिखा देती हूँ. इस तरीके से आप लोगों ने अप्लाई करना है. ये देखें, हमने वाइट एग अप्लाई कर लिया है. अब हम लोग को चाहिए होगा टिशू. ये मैंने टिशू लिया और आपने टिशू की एक पतली सी, जितने भी उस एरिए पर आप लोग को टिशू चाहिए होगा उतना टिशू ले लो. आपने टिशू जो है उस एरिया पे अप्लाई कर देना है, यूँ, ठीक है, यूँ रख देना है टिशू को. और उसके बाद आपने दोबारा जो है वो वाइट एग जो है वो लगाना है. अब मैं 10 मिनट के लिए वेट करूँगी और उसके बाद हम इसे पील ऑफ कर देंगे. देन आप लोग रिजल्ट्स देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट्स आप लोगों को मिलेंगे. और ये मास्क जो है आपके फेस को थोड़ा ब्राइटन अप भी करेगा और सारे ब्लैक हेड्स रिमूव कर देगा. तो यहाँ पे मैं आप लोगों को पील ऑफ करके दिखाती हूँ. आपने इस तरीके से पील ऑफ कर देना है. अब ये तो हाथ है, इस पर पता नहीं लग रहा होगा, बट आप लोग जो फेस पे करोगे तो आप लोगों को इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट्स ही मिलेंगे. तो ये था जी हमारा फर्स्ट मास्क. तो नेक्स्ट मास्क की तरफ आते हैं. ये तरीका जो है इसमें आप लोगों ने क्लिंजिंग स्ट्रिप्स यूज़ करनी है जो कि आपके नोज से और आपके फेस से जितने भी आपके ब्लैक हेड्स हैं वो रिमूव कर देगी. ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में आप लोगों को मिल जाती है. 300 का ये पैक होता है. इसमें सिक्स जो है नोज स्ट्रिप्स होती हैं, ये देखिए लिखा हुआ है, और ये आपके अच्छे तरीके से जितने भी ब्लैक हेड्स होंगे उसे रिमूव कर देगी. तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये खोल के दिखा देती हूँ. इस तरह के ये पैक्स होंगे बहुत सारे, ठीक है. अब हम इनमें से एक ले लेंगे और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आपने इसे किस तरह यूज़ करना है. तो ये हमने निकाल ली है, ठीक है, ये इस तरह की नज़र आती है, ठीक है. इसके नीचे जो है इस तरह का कवर होगा, ठीक है, वाइट कलर का, और ये जी इस तरह की स्ट्रिप होगी. अब आपने इसको अप्लाई कैसे करना है, आपने इस डायरेक्शन में इसको अप्लाई करना है, ठीक है. ये वाली चीज़ जो है ये इस तरह ऊपर को आएगी और ये वाली आपकी नोज टिप पे आ जाएगी, ये वाली चीज़. तो ये देखें, इसको यूँ आपने निकाल लेना है और फिर आपने ये जो स्टिकी स्टिकी साइड है इसको आपने लगाना है नाक पे, और ये वाली जो साइड है थोड़ी सी हार्ड टाइप तो ये बाहर को होगी, ठीक है. तो आपने इस तरह इसको लगा लेना है अपने नाक के ऊपर. अच्छा, एक और बात कि ये ऐसे डायरेक्ट आपके नाक के ऊपर नहीं लगेगी, आपको पहले इसको लगाना है, उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा पानी लेके इसके ऊपर टैप टैप टैपिंग मोशन में जो है वो पानी लगा देना है. और फिर आपने 15-20 मिनट्स वेट करने के बाद इसको आराम से उतार देना है और आप देखिएगा इतने ज़्यादा आप लोगों के ब्लैक हेड्स निकलेंगे, इंस्टेंटली आप लोगों को रिजल्ट्स मिलेंगे. तो ये देखें, आप लोगों को ब्लैक हेड्स मेरे नज़र आ रहे होंगे. तो इसने अच्छे तरीके से मेरे ब्लैक हेड्स जो हैं वो निकाल दिए हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी ऐसे ही रिजल्ट्स मिलेंगे. तो ये था जी हमारा रिवाज नोज स्ट्रिप वाला मेथड. उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा. अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं.
नेक्स्ट मेथड की तरफ आते हैं। आप लोगों को इसके लिए एक टॉवल चाहिए होगा, एक इस तरह की प्लास्टिक की जो शीट है वो चाहिए होगी, बहुत ही थिन है, ठीक है। तो मोटी लेयर आपने नहीं लेनी प्लास्टिक की, इस तरह की पतली सी लेनी है। मेरे पास टिश्यू पड़ा था, मैंने उसकी निकाल ली है। इसके साथ आप लोगों को वैसलीन चाहिए होगी, मेरे पास नहीं थी, ये मेरे पास जॉनसन बेबी जेली है, तो आप लोग ये भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास इस तरह की पड़ी है घर पर, और वैसलीन लेने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले इस मेथड के लिए आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को अपना नाक जो है वो अच्छी तरीके से क्लीन कर लेना है, और वो एरिया जहाँ पे आप लोगों को ब्लैक हेड्स हो रहे हैं, ठीक है, उसको अच्छे से आपने क्लीन कर लिया। देन आप लोगों ने, अगर आपके पास वैसलीन है वो यूज़ कर लो, जॉनसन्स बेबी जेली है तो वो यूज़ कर लो। इसको मैंने खोल लिया, तो इसमें से अब आप लोगों ने थोड़ी सी ले लेनी है, तो ये देखें इस तरह आपने अप्लाई कर देनी है। सपोज़ ये मेरी नाक है और उसके ऊपर मैं अप्लाई कर रही हूँ, इस तरह आपने अच्छे तरीके से ना भर भर के लगा देनी है अपनी उस एरिया पे जहाँ पे आप लोगों को ब्लैक हेड्स का इशू है या बहुत ज़्यादा वहाँ पे ग्रो हो रहे हैं। फिर आप लोगों ने जो प्लास्टिक लेयर थी वो लेनी है और वो अपने नाक के ऊपर अप्लाई कर देनी है, इसके ऊपर रख देनी है जहाँ आप लोगों ने वैसलीन लगाई थी, ठीक है। ये देखिए तरीके से ये मैंने लगा दी, और कोशिश कीजिएगा कि आप लोग की जो ये लेयर है प्लास्टिक की, ये इतनी होनी चाहिए साइज़ में कि आप लोग की नाक के ऊपर पूरी आ जाए। इस तरह आपने अपने नाक के ऊपर से रख देना है। नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने एक टॉवल ले लेना है और आपको चाहिए गर्म पानी। आपने टॉवल को थोड़ा सा पार्ट को गर्म पानी में डिप कर लेना है, उसके बाद आपने अपनी नोज़ वाले एरिया में रखना है जहाँ आप लोगों ने इस तरह जो है वो प्लास्टिक कवर चढ़ाया हुआ है। तो ये देखें, मैंने अच्छे तरीके से गर्म पानी से टॉवल जो है वो डिप कर लिया था, और इसको अब आपने अपने उस नोज़ वाले एरिए पे यू रख देना है। ये देखिए, ये टॉवल रख दिया और आपने इसको इस तरह से प्रेस करते रहना है आराम आराम से, और आपने 10 to 15 minutes के लिए वेट करना है और यूं करते जाना है। टॉवल मैंने रिमूव कर लिया था और आपकी स्किन की पोर्स जो हैं वो अब अच्छी तरीके से खुल गए हैं, तो आप लोगों ने इसका इस तरह का ईयरबड लेना है और इस तरह उसको फेरना है अपने नोज़ एरिया पे और जहाँ भी आप लोगों के ब्लैक हेड्स वगैरह हैं। इस प्रोसेस से ये होगा कि आप लोग के जितने भी जो ब्लैक हेड्स हैं वो इसको फेरने से अच्छी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे, निकल जाएंगे आपकी स्किन के अंदर से। तो इस तरीके से आपके जितने भी ब्लैक हेड्स वगैरह और डर्ट होगी वो आपके फेस से निकल जाएगी, आपका फेस बिल्कुल क्लीन अप हो जाएगा। तो ये मेथड भी आप लोग फॉलो कर सकते हो। चलें जी, अब नेक्स्ट मेथड की तरफ आते हैं, जो कि है रिवाज के ही ब्लैक हेड मास्क, ठीक है। तो ये इस तरह की दो पैकेजिंग में आता है, ये एक है जो कि ट्यूब फॉर्म में होता है, ठीक है, और ये जो है ये पैकेट्स की फॉर्म में आता है, इसमें काफ़ी सारे आपको पैक्स मिल जाते हैं। तो अगर आप लोगों ने ये पहले कभी यूज़ नहीं किया हुआ, आप लोगों का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप लोग ये वाला यूज़ कर लो, ठीक है, क्योंकि इसमें पैक्स होते हैं। तो ये इस तरह की पैकेट्स में आता है, बाकी पैकेट जो है वो मैंने यूज़ कर लिए हैं, ये बचे हैं, इसमें 4 या 5 होते हैं पैक्स, ठीक है। तो अगर आप लोगों का कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप लोग ये सिंगल पैक ये ख़रीद के देख लो। तो ये देखें, आप लोगों को फील हो रहा होगा कि ये काफ़ी थिक है मास्क, ठीक है, ये लिक्विड टाइप में आता है और थिक है बहुत ज़्यादा, और आपकी एक लेयर जो है अच्छी सी क्रिएट हो जाती है, तो अच्छे से आपका मास्क जो है वो लग भी जाता है और आराम से इसको हम पील ऑफ भी कर सकते हैं। तो ये मेरी तरफ़ से 100% रिकमेंडेड हैं और मैं इसका ये वाला पैक जो है वो ख़रीद लेती हूँ काफ़ी सारे। तो जब भी मुझे फील होता है कि मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा डर्ट है, तो इस वजह से मैं ये फ़ौरन यूज़ कर लेती हूँ, तो ये मेरी सारी डर्ट जो है उसको निकाल लेता है मेरी स्किन से और मेरे ब्लैक हेड्स भी रिमूव कर देता है, मेरी स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाती है। अब बात कर लेते हैं इस ट्यूब की, तो ये ट्यूब जो है इस तरह आती है, इसके साथ इस तरह का जो है लगाने के लिए मिलता है, आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं। अच्छा, इसको रीड करके देख लेते हैं कि लिखा हुआ है रिमूव ब्लैक हेड्स, ब्लैक पील ऑफ मास्क, कोलेजन विद चारकोल टाइटन पोर्स एंड डीप क्लेंजिंग। तो ये चारकोल से बना हुआ है, तो आपकी जितनी भी डर्ट होगी आपके फेस पे वो भी ये निकाल देगा। अच्छा, मैं आप लोगों को ना ये इसके ऊपर अप्लाई करके दिखाती हूँ, निकाल के दिखाती हूँ कि इसका फॉर्मूला किस तरह का है, किस तरह का दिखता है। और ये ट्यूब जो है बिल्कुल फिनिश हुई हुई है, तो इसमें से मैं निकाल नहीं सकती, तो मैं पैकेट में से निकालती हूँ, आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने थोड़ा सा निकाला है इसमें से, और ये मैं इसके ऊपर अप्लाई कर लूँगी। इस तरह से आप लोग इसको लगा सकते हो अपने फेस के ऊपर जहाँ जहाँ आप लोगों को ब्लैक हेड्स फील हो रहे हैं, और आप लोग देखो ये नीचे गिर भी नहीं रहा, ठीक है,
तो आराम से आप लोग अप्लाई कर लो अपने फेस के ऊपर। तो आप लोगों को टिप दे रही हूँ कि आप लोग जब भी इसको अप्लाई करो तो थिक लेयर क्रिएट करना और पतली लेयर ना हो, क्योंकि वो फिर बहुत मुश्किल से आपके फेस से उतरेगा। तो कोशिश करना कि मोटी लेयर आप लोग जो है वो बनाओ इसकी। तो ये वो मास्क है जो पर्सनली मैं खुद भी यूज़ करती हूँ, मेरी फैमिली में भी सब यूज़ करते हैं, और मैं सबको यही रिकमेंड करूँगी, सब यूनिवर्सिटी ऑफिस और कॉलेज गोइंग गर्ल्स को, तो वो ये यूज़ कर सकती हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इंशाल्लाह। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, और इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छे रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। मेरे साथ रिव्यूज़ कमेंट्स में लाजमी शेयर कीजिएगा, और आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। तो इंशाल्लाह हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल।